मुख्यमंत्री के गृह जनपद की पूर्ति निरीक्षक गोला ग्रामीणों को कर रहे हैं गुमराह। धुरिया पार गोला तहसील क्षेत्र एवं विकास खंड बिरघाट की ग्राम सभा कुरावल के ग्रामीण आपूर्ति विभाग एवं विकास खंड के बीच पीसा रहे हैं। वर्षों से ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर दूर अन्य ग्राम सभाओं के कोटे की दुकानों से खाद्यान्न लाने को मजबूर हैं। उनकी इस दुर्दशा की जिम्मेदारी किसकी है ग्रामीण समझ नहीं पा रहे हैं। खाद्यान्न लेने के लिए गरीबों को 3 से 4 दिन दौड़ना पड़ता है। कोटा दूर होने के बावजूद एक दिन अंगूठा लगाया जाता है तो दूसरे दिन खाद्यान्न मिलता है। यदि सर्वर नहीं रहता है अंगूठा नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में अंगूठा लगाने के लिए 2 से 3 दिन दौड़ना पड़ता है। ग्राम पंचायत कुरावल के ग्राम वासियों के लिए कोटे की दुकान की समस्या वर्ष 2014 में शुरू हो गई थी, जब तत्कालीन कोटेदार के सस्ते गले की दुकान को पहले गबन के आरोप में निलंबित किया गया, उसके बाद निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई। उस दौरान उक्त सस्ते गले की दुकान को गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर विकास खंड उरवा की ग्राम पंचायत धुरियापार में अटैच कर दिया गया, जबकि बगल में लगभग 3 किलोमीटर दूर विकास खंड बिरघाट की ग्राम पंचायत समतपुर में कोटे की दुकान मौजूद थी। धुरियापार में सस्ते गले की दुकान से कुरावल के ग्रामीण लगभग 2 वर्ष तक खाद्यान्न लिए। कुछ ग्रामीणों के काफी दौड़ धूप के पश्चात वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत कुरावल में सस्ते गले की दुकान का चयन हुआ। 2 वर्ष चलने के बाद दुकान भी शासनादेश के विरुद्ध चयन होने को लेकर निरस्त कर दी गई और ग्राम पंचायत समतपुर में अटैच कर दी गई। ग्रामीणों के काफी मांग करने के बाद दिनांक 26/2019 को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कोटे की दुकान का चयन किया गया, लेकिन उक्त चयन भी शासनादेश के खिलाफ था, जिसके चलते चयनित कोटेदार को सस्ते गले की दुकान का लाइसेंस नहीं मिल पाया, जिसके चलते ग्राम पंचायत कुरावल के उपभोक्ता समतपुर से अपना खाद्यान्न लेने जाने को मजबूर हैं। मजे की बात यह रही कि ग्राम पंचायत कुरावल में वर्ष 2012 के बाद से 3 बार कोटे का चयन किया गया, परंतु 3 बार ही शासनादेश के खिलाफ चयन हुआ। ये बात दिगर रही कि पहली बार शासनादेश के खिलाफ चयन किए जाने की शिकायत नहीं हुई, परंतु कोटा गबन के आरोप में निलंबित हो गया, जबकि दूसरी बार 2 वर्ष कोटा चलने के बाद शासनादेश के विरुद्ध कोटा चयन कर किए जाने की शिकायत हुई और कोटा निरस्त कर दिया गया, परंतु तीसरी बार कोटा चयन होने के बाद भी 8 माह बाद भी जब चयनित कोटेदार द्वारा खाद्यान्न का उठान नहीं किया गया, तो इस संबंध में जनवरी सूचना के अंतर्गत गांव के ही ग्राम पंचायत सदस्य एवं अधिवक्ता सूर्य प्रकाश यादव ने जिला पंचायत राज्याधिकारी से सूचना मांगी, जिस संबंध में पूर्ति निरीक्षक गोला द्वारा बताया गया कि उपरोक्त कोटेदार का चयन शासनादेश के विरुद्ध हुआ है, इसलिए दोबारा कोटे का चयन किया जाएगा। कोई कार्रवाई न होने पर उक्त कोटे के संबंध में अधिवक्ता सूर्य प्रकाश ने 17 फरवरी 2020 को संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, तो वहां मौजूद पूर्ति निरीक्षक गोला द्वारा ये कहते हुए प्रार्थना पत्र वापस करा दिया गया कि इस संबंध में विकास खंड बिरघाट पर पत्र भेज दिया गया है। उपरोक्त पत्र के विषय में जब विकास खंड बिरघाट के खंड विकास अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी व बड़े बाबू से पूछा गया, उन्होंने पूर्ति विभाग के माध्यम से कोई भी पत्र मिलने से इनकार कर दिया। अब ग्रामवासी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। ग्रामीण इस संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में जब पूर्ति निरीक्षक गोला से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कोटे के संबंध में विकास खंड पर पत्र भेज दिया गया है, यदि पत्र नहीं मिला है तो दूसरा पत्र दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर कहां गया वह चिट्ठी जिसे पूर्ति निरीक्षक ने विकास खंड बिरघाट को भेजा था। रिपोर्ट ब्रिजभूषण दुबे, स्वागत जिंदगी न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।